नहीं दे सकती, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो कहना जरूरी है कि ये जो CA NRC है, इन्हीं के गृह मंत्री ने कहा था कि एक के बाद एक होगा, और असम में जो ये प्रक्रिया की गई थी उसमें 19 लाख लोग रह गए। दो सेकंड रुक जाते हैं, आसान चल रही है। तो आप सबसे मैं कह रही थी कि असम में ये जो प्रक्रिया उन्होंने की थी उसमें 19 लाख लोग रह गए थे, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन 19 लाख लोगों में से 3 से 4 लाख लोग महज मुसलमान थे, बाकी सारे हमारे हिंदू भाई बहन थे। 16 लाख हिंदू भाई बहन लोग वहां पर रह गए। तो ये जो आपको झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि हम बाहर के लोगों को नागरिकता नहीं देना चाहते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई सालों से ये CAA चलता आ रहा है और इसमें किसी ने कभी मना नहीं किया कि बाहर के लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती या हिंदू भाइयों को नागरिकता नहीं मिल सकती। लेकिन इस बार इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन किया है जाति विशेष पे किया, तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म में जो है वो वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। तो ये लोग जो दुष्ट प्रचार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म और हिंदू भाई बहन सुरक्षित नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, थोड़ा पीछे हो जाइए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारत सरकार में जो सारे हिंदू मिनिस्टर बैठे हैं तो वो शायद अपने काम में सक्षम नहीं है कि वो हिंदू भाइयों को सुरक्षित रख सकते, क्योंकि ये जो बार बार कहा जा रहा है, ये लोगों को बरकलाने के लिए कहा जा रहा है, लोगों में झगड़ा लगाने के लिए कहा जा रहा है, विभाजन करने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए अगर आपको इन सारी चीजों से सुख शांति में इस क्षेत्र को रखना है, तो मैं नहीं समझती कि अरविंदर सिंह जैसे जो एक कैंडिडेट आपको मिले हैं इनसे अच्छा कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि यही आपको आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और हर तरीके से आपकी लड़ाई लड़के आप और लड़ेगी। तो मैं एक बार फिर से यही कहना चाहती हूँ कि मोहर आप हाथ पे लगाइए, क्योंकि जो दिल्ली में हाथ ने साथ देकर जो प्रगति करके बताई है, मैं नहीं समझती कि आपने भी किया है। आपकी सरकार कहती है कि हम पानी मुफ्त में देंगे, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि वो गंदा पानी मुफ्त में दिया जा रहा है, और जो बिजली के भी बारे में ये कहते हैं, ये सारी झूठ बात हो रही है, और ये सब महिला सुरक्षा की भी बात जो हो रही है, वो सबको पता है कि महिला की सुरक्षा कितनी हो रही है। और जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकती हूँ कि भाजपा के मुख्यमंत्री वहां के यूपी के क्या बयान देते हैं कि आदमी लोग निकम्मे हैं, रजाई
चौराई लेके सोते हैं और अपनी औरतों को चौराहे पर बिठा के रखते हैं। तो ये सारे मंत्री संतरी और जो यहाँ के सीएम है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या जब ये चाहते हैं तो इनकी बहने बहने हो जाती है और जब ये चाहते हैं तो इनकी बहने खड़े रह के 500 रुपए ले लेते हैं। तो ये लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, ये लोग जो महिलाओं को नीचा दिखाते हैं, तो आप सबको सोच समझ के इस बार अपना वोट डालना है। और भाई अरविंदर सिंह जी को भारी से भारी बहुमतों से जिता के आपको अपने आप विराम लेती हूँ और यही कहती हूँ कि जिस तरह से गोलियां दिल्ली के सड़कों पर चल रही है, ये अमन और शांति अगर आपको बरकरार रखना है तो आज महात्मा जी की बापू जी की पुण्यतिथि पे ये प्रण ले लीजिए कि आपको ऐसा गद्दावर नेता चाहिए जो आपके लिए खड़े रह के बुलंद तरीके से आपकी आवाज उठाएगा। बस यही कहना चाहती हूँ और ये भी वादा लेके जाती हूँ अरविंदर सिंह जी से के जीतेंगे तो मुझे यहाँ पर जरूर बुलाएंगे ताकि आप सबके साथ में हम फिर से एक बार जश्न मनाएंगे। और एक बार फिर कह के जा रही हूँ कि ऐसी कोई गलती ना करना, ये चार बार के एमएलए रह चुके हैं, कितने विभाग में मंत्री रह चुके हैं, इनके जैसा कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा, इन्हीं को चुन के लाइएगा और फिर मैं आपके बीच में आऊंगी, ऐसा वादा लेके जाती हूँ। एक बार फिर बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं और बापू जी की वचनों पर हमें याद रख के चलना है। ये नहीं कि भाजपा की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। तो आप सब बहुत ज्यादा होशियार है, आप सबों को ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, पर बहुत बहुत धन्यवाद लवली जी का और सारे कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के लीडरों का जिन्होंने ये प्रोग्राम भी किया है जिसकी वजह से आज मुझे यह मौका मिला है आप सबसे आके मुखातिब होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरमा जी और आपकी बहुत मोहर लगेगी 8 तारीख को हाथ पे। और मैं आए हाजी जी और साथियों, ये लवली जी है जिन्होंने झुकी झोपड़ियों का कैच कराया, अरविंद लवली जिन्होंने दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी कॉलोनियां बसाई हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी